उड़ान भर रही थी। अचानक कंपनी के सीईओ ने ऐलान किया कि वो 3 से 5 मई तक एयरलाइन चलाने में असमर्थ है। मुझे बताई गई फंड की कमी। डीजीसीए की तरफ से एयरलाइंस को कारण बताओ का नोटिस भी जारी हुआ। दिल्ली एयरपोर्ट पर फर्स्ट फ्लाइट्स को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। हम यहाँ इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 पे हैं, जहाँ पे गो फर्स्ट की सारी फ्लाइट्स ऑपरेट करती हैं। यहाँ पे एयरलाइन ने कल बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर दिया था। उनके सीईओ ने बोला कि फंड्स की सख्त कमी है। आप जैसे कि देख सकते हैं, पैसेंजर्स यहाँ पे बहुत गुस्से में हैं, बहुत लड़ाइयाँ चल रही हैं बिटवीन द पैसेंजर्स एंड द कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव्स। आप फ्लाइट ने अपने ऑपरेशंस रद्द कर दिए हैं 3 दिन के लिए। May 3rd, 4th और 5th के लिए फ़्लाइट के सारे ऑपरेशंस रद्द हो गए हैं। एयरलाइन को शो कॉज नोटिस भी मिला है DGCA द्वारा। अभी एयरलाइन ने कहा है कि फुल रिफंड मिल जाएगा सारे कस्टमर्स को, लेकिन वो 1 से 10 दिन उसमें लगेंगे एंड वो काम नहीं करता है काफ़ी कस्टमर्स के लिए जिनको आज के आज अपनी अपनी डेस्टिनेशंस पर पहुँचना है। मैं अभी जस्ट यहाँ आने के बाद पता चला, ना मेरे को ईमेल से आया कोई जवाब, ना कोई मतलब मैसेज द्वारा कोई मिला। यहाँ आने के बाद मेरे को पता चला कि आज कैंसिल हो गया। अब मेरे को आज शाम को 6 बजे तक रिपोर्ट करना है। मैं डिफेंस में हूँ, 6 बजे तक मेरे को रिपोर्ट भी करना है। मेरा 8,000 का फ्लाइट है और ये मुझे 3400 रुपया रिफंड कर रहे हैं और वो भी पैसा भी नहीं आ रहा है। बोले 1 से 10 दिन वर्किंग टाइम लगेगा और वो भी आता है या नहीं आता है, ये सबसे बड़ी इशू है। परेशानी का आलम यह है कि उन्हें रिफंड तक लेने में मुश्किल आ रही है। ये दिक्कत तो फिलहाल दूर होती हुई नजर नहीं आ रही।